जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इंतजार दिनों दिन बढ़ी रहा, आपका खत्म नहीं हो रहा है और धीरे धीरे इंतजार आपका अब समाप्त हो रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि 3 जिलों के रिजल्ट अब तक जारी हो चुके हैं। जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी, यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़ जिले का आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब दोस्तों, आज अपन मुख्यतः बात करेंगे कि सिलेक्शन लगभग कितने नंबरों तक हो रहा है, और जो मेन आज अपनी मुख्य बात है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स को लेके। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार करने हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको मुख्य मुख्य चाहिए थे वो मैंने जब आपके ड्राइवर के ट्रेड के टेस्ट थे उस समय भी मैंने आपको बता दिए थे। लेकिन उसमें से और इसमें अभी जो कॉन्स्टेबल जीडी है या आपका टेली कम्युनिकेशन है, इसमें कुछ डिफरेंस है डॉक्यूमेंट्स का, तो मैं आज यहाँ पे जो भी आपके डाउट है क्लियर कर दूंगा सारे, कि आपको क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। और जो भी आपका रिजल्ट है, जिस भी जिले का आप इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं और ये आपके रिजल्ट अब पुलिस की जो मेन वेबसाइट है वहां पे भी अपलोड होना शुरू हो चुके हैं। और वैसे जो भी अलग अलग जिले के जो उनकी वेबसाइट्स हैं या उनके जो ट्विटर हैंडल हैं, वहाँ पे आपके रिजल्ट के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। और वहाँ से अगर आप एसपी ऑफिस अलग अलग जिले के हैं वहाँ से संपर्क करके आप वहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं रिजल्ट के बारे में। और जैसे जैसे और कोई अपडेट आएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी अपडेट लगातार मिल रही है। अब मैं बात करता हूँ, सबसे मुख्य बात है आपकी डॉक्यूमेंट्स की, तो देखते हैं अपन डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या यहाँ पे चाहिए। और ये दोस्तों जरूरी था वीडियो, क्योंकि जिनका रिजल्ट आउट हो चुका है उनके बार बार में मैसेज आ रहे थे कि सर सेपरेट वीडियो डॉक्यूमेंट्स पे लाइए कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। अगर आपका रिजल्ट अब तक नहीं आया है या आपके काम का वीडियो नहीं है तो आप यहाँ स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले है देखो, आपका यहाँ पे नीचे दिया गया है, उक्त उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ये भर्ती प्रक्रिया के अग्रिम चरण में, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और मेडिकल भी होगा, और करेक्टर आपका जो वेरिफिकेशन करते हैं हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज एवं उनकी स्वयं प्रमाणित एक प्रति निम्न अनुसार प्रस्तुत करेंगे। देखो दोस्तों, मैं बता दूं, जो ये आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो रही है, आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा पहले ही, कि मेरा साथ के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ साथ में मेडिकल भी होगा। तो माइंडली और फिजिकली दोनों तरीके से आपको प्रिपेयर रहना है। वहां पे 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं आपको, 3 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या, अगर कैंडिडेट की संख्या ज्यादा रहती है तो कई बार दो दो तीन तीन दिन का समय भी वहां पे लग जाता है। और वो बाद में मैं आपको और बता दूंगा जब आप जाओगे। आपको सबसे पहले मैं बात करूं 1 नंबर पॉइंट की, समान पात्रता परीक्षा एवं कांस्टेबल भर्ती आवेदन पत्र, शारीरिक मापदोल एवं कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी प्रवेश पत्र की प्रति, यानी कि जो भी आपने सीबीटी के लिए फॉर्म फिल किया था उसका आपको परफॉर्मा, यानी कि जो भी आपके पास में आवेदन पत्र है उसकी कॉपी चाहिएगी, और आपकी फिजिकल की कॉपी आपको चाहिए, और सीबीटी एग्जाम जब आपकी हुई थी उसकी कॉपी एडमिट कार्ड की आपको यहाँ पे चाहिए। यानी कि 3 डॉक्यूमेंट्स तो आपके यहीं पे हो गए, जो साथ में है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। अब सबसे ज्यादा डाउट यहीं पे रहता है कि सर शैक्षणिक योग्यता क्या होती है। देखो, मेन तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन थी 12th पास थी, अगर आप 12th पास तक भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। और अगर आपने भर रखा है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या आपने पीजी कर रखी है या आपने बीए बीएड कुछ कर रखा है यहाँ पे, तो वो भी अगर आपने भरा है तो लेके जा सकते हैं वहाँ पे। और सब कुछ आपको वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको उनकी कॉपी भी चाहिए एक एक। है आपका तीसरा पॉइंट है आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट उन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पे जरूरत पड़ती है जिनकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अंकित नहीं है। अगर 10th की मार्कशीट में नहीं है तो फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट की यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है, और मैं मानता हूँ लगभग लगभग सबकी 10th की मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है, तो आपको ये अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है। फिर है आपकी 4 नंबर का पॉइंट है, ये अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है
यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे चाहिए, यानी कि ST, SC, OBC, MBC और EWS। अगर इन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिएगा, ये जरूर अपने साथ में लेके जाना। फिर है 5 नंबर का जो पॉइंट है, कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक यह है, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS के आवेदक आवेदन वर्ष के पूर्व वित्तीय वर्ष यानी कि 2022-23 के आधार पे, यानी कि जो भी EWS का कैंडिडेट है उसको 2022-23 यानी कि वित्तीय वर्ष होता है उसका आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि EWS का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। 6ठा नंबर पॉइंट है आपका, आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी हैं तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र एवं विभागाध्यक्ष द्वारा अनापत्ति, यानी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको अपने विभाग की NOC साथ लेकर जाना अति आवश्यक है। 7 नंबर पॉइंट है, आवेदक यदि कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गए मृतक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी का आश्रित है तो उनकी संतान, यानी कि अगर आपके कोई भी माता पिता पुलिस में थे और अगर उनकी अब डेथ हो चुकी है तो आपको उनका प्रमाण पत्र वहाँ पे देना होगा, तो वो भी आप साथ लेकर जाएं अगर आप ये पात्रता रखते हैं। फिर है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आपका, ये है अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र और 2 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, आपको 3 चरित्र प्रमाण पत्र की यहाँ पे आवश्यकता होगी। पहला होगा आपका स्कूल या कॉलेज का, अगर आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल चल रही है अभी तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिएगा वो जहाँ से आपने 12th पास की है। दोस्तों अगर आप भी SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए बाज क्लासेस के साथ में ताकि आप भी अपना स्थान सुनिश्चित कर सके, तो आज ही ज्वाइन करें बाज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। तो चाहिए आपको अपने गांव के जो भी कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, यानी कि आप एक सरपंच का लेके जा सकते हैं या एक किसी दूसरे व्यक्ति का लेके जा सकते हैं, दोनों एक ही मत ले जाना। और हो ध्यान रखना उसमें कोई भी आपका रिश्तेदार रिलेटिव वगैरह नहीं हो, यानी किसी भी डॉक्टर का बनवा लेना या कोई भी स्कूल में टीचर है फर्स्ट एड का उससे बनवा लेना या कोई भी नहीं है तो किसी दूसरे व्यक्ति का आप बनवा लेना, यानी कि ये 3 आपके करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे हो गए। फिर है जैसे अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको डिस्चार्ज होने का आपका जो भी NOC है डिपार्टमेंट से जारी किया गया होगा वो आपको यहाँ पे चाहिए होगा। फिर है TSP क्षेत्र से संबंधित प्रमाण पत्र, विशेषतः मूल निवास प्रमाण पत्र। अगर आप TSP क्षेत्र से अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको उस क्षेत्र का मूल निवास यानी कि डोमिसाइल आपको वहां का आपको चाहिए, तो वो जरूर अपने साथ में लेके जाना। फिर है 5 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, आप एक साथ अभी 15-20 खिंचवा लेना, बहुत सी फोटो की आपकी आपको आवश्यकता पड़ेगी तो फोटो एक साथ खूब सारी खिंचवा लेना, आप 15-20-50 फोटो अपने साथ में रखना, अभी तो आपको 5 फोटो ही वहाँ पे चाहिए होगी। फिर वह विधवा मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र, अगर आपके पति की डेथ हो चुकी है तो आपको जो भी उसका सर्टिफिकेट है डेथ सर्टिफिकेट वो साथ में लेके जाना होगा। और इसी प्रकार है जैसे आप तलाकशुदा है तो जहाँ से आपको तलाक की डिग्री मिली हुई है न्यायालय के द्वारा वो अपने साथ में लेके जाना होगा। और इसी प्रकार अगर आपने NCC होमगार्ड और पुलिस संबंधित विषयों से आपने डिप्लोमा या उपाधि करने का प्रमाण पत्र, आपको डिप्लोमा डिग्री चाहिए वो अपने साथ में लेके जाना होगा। और फिर है आपका विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, अगर आपके पास आपकी शादी हो रखी है और आपने विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र बना रखा है तो वो साथ लेके चले जाना, अगर नहीं है तो फिर आप वही शपथ पत्र प्रस्तुत कर देना। फिर है दहेज नहीं लेने का प्रमाण पत्र, 2 से अधिक नई संतान नहीं होने का प्रमाण पत्र, 1 से अधिक जीवित पति पत्नी नहीं होने का प्रमाण पत्र, और जैसे आपका 18 है आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होने का प्रमाण पत्र, धूम्रपान तंबाकू सेवन नहीं करने का प्रमाण पत्र, इस चीज का ध्यान रखना आपका यानी कि 15 से लेके 19 नंबर तक के जो पॉइंट है एक ही शपथ पत्र में सारे के सारे पॉइंट आ जाएंगे, आपको इसके लिए अलग अलग शपथ पत्र टाइप नहीं करवाना है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर किसी को फॉर्मेट की जरूरत है तो वो मुझे बता देना, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, इस चीज का ध्यान रखना। नहीं आप अलग अलग बनाओगे तो आपके बहुत सारे पैसे यहाँ पे लग जाएंगे, सारे के सारे पॉइंट
एक ही आपके पेज में आ जाएंगे, जो भी 5 6 7 टॉपिक आते हैं उसमें सारे के सारे उसी में आ जाएंगे आपके। तो ज़्यादा पैसे खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है। इन बिंदुओं का आपको विशेष ध्यान रखना है। और फिर है लास्ट का है ड्राइवर से संबंधित है, आपका किसी भी प्रकार का कोई मतलब का नहीं है। तो दोस्तों ये थे आपके मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स, और किसी कारणवश आप डॉक्यूमेंट्स आपको मिल रहे नहीं है या बनवा नहीं पा रहे हैं, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ आपसे एप्लीकेशन लिखवा ली जाएगी और फिर आपको समय दिया जाएगा, फिर आप वहाँ पे जमा करवा देना। लेकिन कोशिश करना डॉक्यूमेंट्स अभी आप पूरी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दें, क्योंकि दोस्तों जब तक आप डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाओगे आपकी ज्वाइनिंग वहाँ पे जारी नहीं होगी। क्योंकि आपके सारे के सारे जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवाओगे वो डिपार्टमेंट से क्रॉस चेक होंगे, जिस जिस डिपार्टमेंट से आप, चाहे आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है चाहे और कोई सा डिपार्टमेंट है, वो वहाँ से क्रॉस वेरीफाई करवाते हैं उनको, वो प्रमाणित होते हैं और फिर उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग जारी होगी। एक सवाल था सर हमें क्या थाने से वो चित्र प्रमाण पत्र बनाना है? नहीं, वो पुलिस विभाग का काम है, वो उधर से ही आएगा आपको, आपको थाने में बुला लिया जाएगा आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके। आपको थाने से संबंधित काम अभी भी कुछ भी काम नहीं करना है, वो डिपार्टमेंट का काम है। जब आपका वहाँ पे वेरिफिकेशन आएगा तो थाने से आपके पास में कॉल आ जाएगा, तब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाना वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स का विशेष ध्यान रखना आप, और धीरे धीरे रिजल्ट सबके आ जाएंगे, चिंता मत करो, ज़्यादा टेंशन मत लो। और रही बात कट ऑफ की, ज़्यादा दोस्तों कम भी कट ऑफ नहीं गई है और ज़्यादा भी कट ऑफ यहाँ पे नहीं गई है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।